एक कटोरी आपने चीनी की डालनी है, उसके बाद आपने दो चम्मच आपने हनी डालना है, ठीक है? डाल दी मैंने हनी। आप नींबू भी डाल सकते हो, ठीक है? तो और आधा गिलास पानी का, इस तरह से, ठीक है? मिक्स करके इसको गैस पे, फुल गैस पे रखना आपने, इस तरह से। और इसको हिलाते रहना इस तरह से। अभी हिलाओगे नहीं तो जो आपने ढक्कन रखा है उस पर चिपक जाएगी। अच्छी तरह से गैस में हिलाते रहना। इसमें उबाल ना आए तब तक इसको हिलाना और फुल गैस में रखना। इस तरह से उबाल आना चाहिए और इसका कलर भी देख सकते हो आप कैसे चेंज होगा, इसका कलर भी चेंज होगा। फिर आपने धीमी आंच कर देनी है। और इसको धीमी आंच में पकाना है। इस तरह से आपने धीमी आंच में इसको बॉईल करना है। धीरे धीरे गाढ़ी हो रही है और उसका कलर भी चेंज हो रहा है। देख सकते हो आप बैग्स जो है रेडी हो चुकी है। देखो एक तार बन रही है। अब इसको चेक कैसे करना है आपने, ठीक है? एक चम्मच लेना आपने, फिर एक कटोरी पानी में डाल के देखना इस तरह से, ठीक है? एक ही जगह पे आपने डाल के देखना, ठीक है? तो इसको चेक कैसे करना है आपने, अगर ये पानी में घुल जाती है तो वैक्स रेडी नहीं है, ठीक है? अगर ये इकट्ठी हो जाती है ऐसे तो वैक्स रेडी हो चुकी है। देखो इस तरह से इस तरह से आपने एक कटोरी में डाल के रख लेना और इसको ठंडा होने के बाद यूज करना है। देखो इसको ठंडा होने के बाद यूज करना है।